तो गाइस आज जो व्लॉग आप मुझे देख रहे हो ये हमारे भाई का चैनल है और वो आज पहुंचे हमारे फार्म में। ये गुस्से वाला है, वो भी कभी कभी गुस्से वाला नहीं। जो हमारा सोशल मीडिया है ना भगवान की जैसे बहुत अच्छा है, तो हम इन चीज़ों में दिखाएं। कुछ लोग गानों में दिखा रहे हैं, वेब सीरीज में, बहुत सारी चीज़ें उनके पास दिखाने के लिए। पर मेरे लिए बस ये था कि जो मेरी इच्छाएं थी पुरानी वो मैंने पूरी की। तो ये मेरी पहली गाड़ी थी, मतलब XUV बहुत बुरे टाइम से मेरे साथ थी और इसको मैंने बहुत अच्छे काम में लगाया और अच्छे टाइम उसने मुझे दिखाया। तो अब ये डॉग रेक्स के लिए हाँ जी, सुबह सुबह रेडी हो तुम दोनों? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं जोई? तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई? सेलिब्रिटी बच्चे हैं तुम्हारे बब्बी और लेडी ऑली, तो बहुत अच्छे काम से जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बताते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा रास्ता काट लेते हैं, फिर बताते हैं। और किस में जा रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज है, अपनी नई आईसुजू गाड़ी। तो फाइनली सेट हो गए हैं तीनों के तीनों अपने रोड ट्रिप के लिए पहला, और जो हम जा रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़। हाँ जी खुश? आराम से बैठी है, बट बब्जी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट टाइम है। और इधर जोई ने तो अपने आप को फंसा ही लिया है पट्टों के बीच में। हाँ जी रिलैक्स नाउ, नो आराम से बैठ जाओ तीनों। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑफ नमितोलॉजी। और आज का व्लॉग होने वाला है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल, बिकॉज हम आपको देने वाले हैं बहुत बड़ा कोलैबोरेशन का गिफ्ट। यानी कि नमितोलॉजी कोलैबोरेट करने वाली है बहुत ही एक जाने माने यूट्यूबर, और मैं कहूँगी मतलब यूट्यूबर के अलावा इंडियाज ऑलमोस्ट नंबर वन, आई वुड से ऑलमोस्ट नंबर वन। एंड एक चैनल नहीं, उनके कई ज़्यादा चैनल हैं, और सिर्फ वो एक टाइप की ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, ही इज़ इन टू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत ज़्यादा उन्होंने और भी काम करे हैं एक्सेप्ट फैमिली ब्लॉगिंग। आजकल उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा यूट्यूबर जो कि मतलब यूट्यूब ब्लॉग्स करने के अलावा सोसाइटी के ऐसे कामों में भी सोसाइटी को वो गिव बैक कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं अर्न कर रहे हैं, बट ही इज ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी में वापस भी तो डोनेट कर रहे हैं ना वो चीज़ को। तो चलते हैं उन शख्स के पास, मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी, आगे चल के व्लॉग में आप देखते चलिए। बच्चों का पहला रोड ट्रिप है और बच्चे जा रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़, ठीक है। तो हम पहुँचे हैं जय माता दी, जय वैष्णो देवी माता। माता के हमने दर्शन कर लिए बाहर से ही, आज हमारा अष्टमी है और बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। जय माता दी, आगे देख लो, आगे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ, साइड पे भी देखूंगा, बीच में मुझे टोकती जरूर रही हो, क्योंकि कभी भी मेरा ध्यान भटक सकता है, क्योंकि मेरा ध्यान जोई की तरफ है इस टाइम। अगर तुम कहते हो मैं पीछे डिक्की में चले जाती हूँ। नहीं, अभी अलाउड नहीं है डिक्की के अंदर, आपको रूल्स पता होने चाहिए इंडिया के, ठीक है ना। तो पीछे हमारे साथ दिशु भी है और अरुण भैया भी है, और जो पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं चारों तरफ से। मैं अभी कैमरा दिशु को देने वाली हूँ ताकि वो ना थोड़ा सा कैप्चर कर ले, ठीक है। दो ही ना पीछे बैठे हुए हैं और आसपास सबके ऊपर बार करे लोग, इतने हैरान परेशान हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये कौन सा नया मॉडल चल पड़ा है जिसके अंदर पीछे इतने सारे भयानक से डॉगीज बैठे हुए और आगे पूरा टप्पर चल रहा है। पीछे दिशु को बिठाया क्योंकि ना जोई ना बाहर कूदने की कोशिश कर रही है, तो हमें थोड़े और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि जिस तरीके से ना जोई हमें अंदर ही फिट हो, बाहर का कोई चक्कर ना हो उसका, मतलब कूदने का। तो क्या पता हमें केजिंग करानी पड़े, तो ये एक हमारी फर्स्ट लर्निंग है, हमारी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो गाइस बाकी ओला तो देखो बहुत जैसे दिख रही है, बब्बी और जोई थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, वो देखो ओला ने तो अपना कोना पकड़ लिया चुपचाप, मजे से जा रही है। वहाँ दिशु है हाईवे पे रुक के पानी पिला रहे हैं इनको। ओला बिल्कुल ठीक चल रही है, जोई और बब्बी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं हमें। जोई तो कूदने की कोशिश कर रही है गाड़ी में से पट्टे के बावजूद, देखते हैं कैसे करते हैं अभी मैनेज। नहीं तो ये कुंडा यहाँ नहीं कह रहे ना, तुम जा रहे नहीं है यहाँ पे, ये खुले रहेंगे यहाँ पे, कुंडा है वो ना वहाँ पे, हमें नीचे
अभी तो हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया, घंटा हुआ है सिर्फ घर से निकले और अभी से इनका ये हाल है। They are not travelers like you, Rahul. काफी देर बाद अब हमने कैमरा ऑन किया, हमने फास्टैग वगैरह सब अभी आज ही लगवाया क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं थी तो कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो फास्टैग वाला बंदा पहचान गया, कह रहा वही हो ना जो डरती हो अपने खुद के कुत्ते से। मैं कहा चल चल एक्ट्रेस हूँ मैं, ज्यादा मत बोल। है राहुल? बिल्कुल सही है। और राहुल को कहता आप तो ना इस देश के ही नहीं लगते, आप तो फॉरेनर लगते हो। मैं कहाँ का? जिम्बाब्वे का। कहता नहीं। मैं कहाँ का? फिर कहता वेस्ट इंडीज का। निकलने की कोशिश कर रही थी कूदने की, तो हमने कहा बहन तू तो कृपया करके ना अंदर आ जा, और बब्जी और औला तो समझदार है, उनके पट्टे बंधे हुए हैं और वो लोग चुपचाप अपना अंदर सोए पड़े हैं। गाइस फाइनली हम लोग रुके, पेट्रोल पंप पे डीजल खत्म हो रहा था और वहाँ पे दीशु गया जोई को फ्री कराने, और वो आएगा तो करेगा ना, वो तो सबसे पहले भाग गया। तो ये दोनों को फ्री कराने के लिए उतारेंगे अब। बब्जी को मुझे लगता है आया हुआ शुशु। पप्पे का पट्टा तो उतारो, चल बब्जी चल कर ले शुशु वुशु। पेट्रोल पंप भरा रहे हैं, पेट्रोल आई मीन डीजल। क्या हो गया, थक गए राहुल? हाँ टायरिंग तो है, ले आ वापस। जोई आ गई है, कुछ करा नहीं मुझे, बोरे पीछे ओला नहीं उतर रही, पता नहीं क्या बात है। अब एक को ले जा, इसको थोड़ी देर ऊपर चढ़ाते हैं यहाँ पे, फिर इसको अंदर करेंगे। राहुल ने थोड़ा सा पानी भरवाया भैया से, पानी की बोतल बच्चों की भरवा लो ना इनसे। जो आपके पास दूसरी बोतल है ना भैया, इनको बोलो दूसरे से भी पानी भर देंगे। अरे झूठ है ये, लो ये भी भाग गई। जोई देखना ये नहीं मानती लड़की, ओला जा घूम कर आ थोड़ी देर। तो दीशु लेके गया ओला को घुमाने के लिए, बब्जी अभी भी ऊपर ही बैठा हुआ है पानी पी रहा है। तो बब्जी ना नीचे ही नहीं उतर रहा, कह रहा कि मेरे को नहीं करना सुसु पॉटी। ये उतर गई देखना, उलझ गई। हे भगवान उलझ गई। चल बब्जी, हाँ हाँ ओला कम, ओला देख के देख के देख के गाड़ी है राहुल, गाड़ी है ओला। जा ओला भाग। बब्जी ने तो कर लिया, कर रहा है वो शुशु, करने दो उसको। बब्जी ने तो कर लिया ओला, ये है ना जोई, इसने सबसे ज्यादा हमारा खून पिया पूरे ट्रिप में, सबसे ज्यादा तंग हमें किया है जोई ने, सबसे ज्यादा तंग। और जोई मजा आ रहा है तेरे को? तो मैं जोई से पूछ रही हूँ, मजा आ रहा है तेरे को? सबसे ज्यादा तंग इसने किया पूरे ट्रिप में है। अब खड़ी हुई आराम से दिखते हैं, देख रही है वहां ना ये वो लोग घूमने गए हैं ना, तो इसकी पूरी नजर है कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए, तेरे को पहले ही ले जा चुके हैं घूमने के लिए, और तू अब जाएगी अंदर, तू नहीं बैठेगी यहाँ पे। गाइस ये भागने की कोशिश करती कूदने की। तो गाइस हम लोग पहुंचे हैं रोहिणी ढाबा पर, बट ये है मिस्टर अरमान मलिक का रेजिडेंस, और ये फैमिली फिटनेस वाले मिस्टर अरमान मलिक यहाँ बंद करते हैं, जैसे ही मिस्टर अरमान मलिक आएंगे तो तब हम वीडियो ऑन करेंगे। काम के लिए हम लोग आए थे, मैंने आपको थोड़ा दे दिया हिंट, थोड़ा क्या सारे हिंट दे दिए मैंने आपको, तो वो उनकी घर का एरिया था तो उन्होंने वहाँ पे शूट करने को मना किया हुआ था, और उसकी हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे चल रही है, और वो भी हम नहीं दिखाएंगे, वैसे तो उनकी खुद की गाड़ियों में सारे दिखते हैं नंबर, बट हम नहीं दिखाएंगे। तो उनकी फॉर्च्यूनर हमारे आगे चल रही है और वो हमें लेके जा रहे हैं हम अपने फार्म, और आप देख लो फार्म का रास्ता किस तरह से जा रहा है, और फार्म का नाम है तुलसी फार्म, फार्म का नाम है तुलसी फार्म, और आई थिंक हम लोग पहले डॉग चैनल हैं यूट्यूब के जिन्होंने तुलसी फार्म के साथ कोलैबोरेट किया है। और आप जानते हो हमारा जो इनिशिएटिव चल रहा है, जो जैसे हम चमेली को भी रेस्क्यू करा, उसकी बेबीज को भी करा, तो वैसे अरमान जी भी एक ऐसा इनिशिएटिव चला रहे हैं, वो तो सिर्फ डॉग्स को ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स, हॉर्सेस, काउस, कैट्स, जो भी
स्पैन में आते हैं एनिमल किंगडम के, वो सबको रेस्क्यू कर रहे हैं और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है. एक डॉक्टर भी है वहाँ पे. तो अरमान जी हमें अपने फार्म लेके जा रहे हैं स्पेशल. उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. और वहाँ जाके आपको सारा दिखाते हैं, कवर करेंगे उनके फार्म पे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या तरह का रेस्क्यू है, हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं, मिलके इस दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाते हैं. चलते हैं सीधा अरमान मलिक जी के तुलसी फार्म. तो गाइस आज जो व्लॉग आप मुझे देख रहे हो ये हमारे भाई का चैनल है और वो आज पहुंचे हमारे फार्म में और यहाँ पर है. कैसे आप सब लोग? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. लोग कहते हैं ना यूट्यूबर्स बड़े बड़े हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन आपसे मिलना इतना भी मुश्किल नहीं था. आप बहुत हम्बल हो, आपने हमें चांस दिया आपसे मिलने का. नहीं देखो, हम तो मिलना चाहते हैं सबसे, हम चाहते हैं हम सब लोग हमसे मिले. क्या होता है ना कि जब आपसे कोई मिलने आता है ना, चीजें उस टाइम तक ठीक रहती हैं. Okay. फिर बाद में लोगों को लगता है यार घमंड आ गया इनमें. चीजें बहुत सारी होती हैं. अब मैंने ये इसलिए बनाया कि लोग आए हमसे मिले और साथ साथ डॉग को भी देखें और ये चीजें शेयर हो अच्छे से. सर एक्चुअली हमने जैसे अभी रिसेंटली एक इंडी डॉग को रेस्क्यू किया अपने लोकल में, उसके पपीज हुए, उसको बचाया, लोगों ने डोनेट भी किया. तो मैं चाहती थी कि आपने जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तुलसी फार्म का. जब मैं यूट्यूब पे आया भी नहीं था, मैं इंस्टाग्राम पे था, तो तब से मेरी इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा फार्म बनाना स्ट्रीट डॉग के लिए, चाहे मुझे कोई डोनेशन दे या ना दे, पर भगवान ने मुझे इतना दे कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो वो हमने कर दिया. और पता क्या, फैमिली सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपके घर में भी सब इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं ब्लॉग देखती हूँ, कृतिका दी, पायल दी, सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं. हाँ, तो ये था कि हमने ना बल्क में थोड़ा बड़ा बनाया, तो वैसे ही बनाया हमने इनका. इसका बब्जी ये मेल रॉटवाइलर है और ये थोड़ा सा वो है जैसे अल्फा मेल होते हैं, बिल्कुल सिर्फ इसके काबू में आते हैं राहुल के. और ये हमारी फीमेल है लेडी ऑली, ये बहुत प्यारी है, ये लैब्राडोर है. मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पहुँचे कैसे. तो भाई साहब देख रहे हो पूरे ताम झाम के साथ पहुँचे. ये दोनों गुस्से वाले हैं भाजी? नहीं नहीं, इनकी शक्ल लग रही है सिर्फ. ये गुस्से वाला है, वो भी कभी कभी. रिलैक्स रिलैक्स, गुस्से वाला नहीं, गुस्से वाला नहीं है. बेसिकली जब आप मेरी तरफ अप्रोच करोगे, आप आ रहे हो मेरी बब्जी. तो गाइज ये रानी है जिसको आप बचपन में देखते थे फैमिली फिटनेस के व्लॉग्स पे. और ये राजा, राजा की एनर्जी इतनी हाई हो रही है. इनको सारे ही डॉग्स बहुत प्यार करते हैं, खेलते हैं. ओए ना ना, बहुत बड़े छोटे छोटे थे आपके, वहाँ पे रहते थे आपके ब्रदर के पास भी रहते थे नीचे. हाँ बस राजा राजा. ओए ओए ओए, ये नहीं सकते, ये नहीं सकते. बस रिलैक्स. तो गाइस अब हम जा रहे हैं अरमान जी के साथ अंदर तुलसी फार्म में. यहाँ से हम आए हैं, अब अरमान जी हमें आगे तो फार्म हम आगे बता देते हैं. आपको ये लाइटें ऑन हो जाती हैं और हमने बचत करने के लिए, एक एक पैसा बचाने के लिए लाइट के बटन यहीं दे दिए. अगर जिसको जो चलाना हो तो अपना यहीं से चल जाती है, सारे अंदर से बंद है तो यहीं से ऑन ऑफ हो जाता हमारा. तो हमने ये शेड अभी डलवाया था कि मतलब दोपहर में सर्दी होने वाली है तो धूप होगी, तो हम शेड के नीचे रखे, ओस भी आए तो कुछ दिक्कत ना हो डॉग को. तो हमने यहाँ पे काऊ का भी सोचा है और डॉग का भी सोचा है. तो अभी हम डॉग रेस्क्यू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमने गाड़ी भी तैयार करवा ली है. हाँ, काऊ वाली पता चल गया. हमारे पास ना काऊ की कोई कॉल नहीं आई, डॉग की आ रही. जो हमारा सोशल मीडिया है ना भगवान की जैसे बहुत अच्छा है, तो हम इन चीज़ों में दिखाएं. कुछ लोग गानों में दिखा रहे हैं, वेब सीरीज में, बहुत सारी चीज़ें उनके पास दिखाने के लिए. पर मेरे लिए बस ये था कि जो मेरी इच्छाएं थी पुरानी वो मैंने पूरी की और उसके बाद हमने शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके. अब हमें 2 महीने हो जाएंगे इस 1 तारीख. yes. तो ये है हमारी सबसे बड़ी शक्ति. और शक्ति को पेट के किसी ने स्कूटर चढ़ा दिया था, इसको 16 टाँके आए हैं. तो अब ये बहुत मज़ेदार है, बिल्कुल ठीक है. ये भी काफ़ी टाइम से अब आपके पास? हाँ बहुत टाइम. तो ये मेरी पहली गाड़ी थी, मतलब एक्चुअली बहुत बुरे टाइम से मेरे साथ थी और इसको मैंने बहुत अच्छे काम में लगाया और अच्छे टाइम इसने मुझे दिखाया. तो अब ये डॉग रेस्क्यू के लिए, डॉग इसी में रेस्क्यू करते हैं. तो ये हमने आज एक डॉग रेस्क्यू किया था और इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, किसी गाड़ी वाले ने साइड मारा है जिसमें इसका पूरा जबड़ा टूट गया और एक आँख ख़त्म हो गया. तो ये ना तो अभी देख पा रहे एक साइड से और थोड़ा सा ऐसे है, मुझे नहीं लगता कि इसको टाइम लगेगा ठीक होने. काफ़ी लगेगा. सम्राट हॉर्स
इसकी तबीयत खराब थी ना दो तीन दिन पहले, अब ठीक है। तो सम्राट हेलो करो, ये भी फेमस है सम्राट। हेलो, मेरी बचपन से था कि हम कभी घोड़ा रखें, और उस टाइम तो ये था कि साइकिल रखने की वो बात नहीं थी, तो आज हमने चीकू के लिए घोड़ा रखा। चीकू को दोस्ती है इससे? टच करो आप, अंदर चले जाओ। हाँ, ये फ्रेंकी पीछे मत जाना, पीछे मत जाइए, पैर मारेगा। आप पीछे जाओ सम्राट, अब ठीक हो आप? रात को इस साइड कर देते हैं, देखो अब ये देखो ये परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है इसको, मुंह में झाग आ रहा है। हमने इसको मेडिसिन दिया है, पेन किलर दिया है, और खोल इसलिए पा रहे कि दूसरे डॉग भी है ना यहाँ पे। हाँ जी, दो। तो आपको 24 आवर्स एक डॉक्टर भी है ना यहाँ? दो डॉक्टर हैं, 24 घंटे दो जी। अच्छा, ये हैं डॉक्टर, ये सोमवीर भाई हमारे यहाँ, सोमवीर सैनी, तो ये संभालते हैं सब कुछ। ये शुरू से साथ है, जब हमने ओपन किया था ना तब से साथ है, तो ये पूरा ये लगा लो डॉग का है, आने वाले टाइम में हमें काम करेंगे। अच्छा, हमारा यही है कि हम 15-20 गायें और 15-20 डॉग हम रखें। तो रमान जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी, ठीक है। जो ये पपीज हैं, ठीक है, आगे जाके आप इसको अडॉप्शन के लिए भी बोलोगे अपने? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू बोलते हैं हम, तो बोलते हैं कि आप आइए अडॉप्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, जिनको अच्छा घर मिल जाए उससे बढ़िया। अभी ना चीजें क्या है ना, अभी हम देखो, मैं अपने मेन चैनल फैमिली फिटनेस पे भी दिखाता हूँ पूरे बल्क में, कि ये नहीं कि मैंने इनका चैनल अलग बनाया है। लोग ना ये चीजें देखना पसंद ही नहीं करते। अब सोचो किसी डॉग को चोट लगी है और किसी टीवी में ब्लॉग चल रहा है, वो चोट उसने देख ली तो कहता है हटाओ यार, खाना खाने का दिल नहीं करता। आप सही कह रहे हो, हमारे साथ भी होता। हम एक डॉग के ना मैगेट्स निकाल रहे थे, तो हमें ना किसी ने देखा होगा ब्लॉग, तो कोई बच्चा था कनाडा रहता था, तो उसके फादर का ना मुझे पर्सनल मैसेज आया, मेरे बच्चे ना जब खाना खा रहे होते हैं ना तब आपका ब्लॉग देखते हैं, आप ये सब ना मत दिखाया करो। तो उस दिन से ना हमने थोड़ी चीजें ना हाइड कर दी ना, तो हम चोट दिखाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर देते हैं, और फिर हम ना थोड़ा क्लोज दिखा ही नहीं रहे कुछ भी। लोगों को ना थोड़ी सी ना घिन आती है, उनको अफसोस है, उनको मतलब ये भी है कि यार गलत लगी, पर ना वो देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, वो नहीं होती। मतलब इसके लिए फिर दिल भी तो बहुत बड़ा चाहिए अगर आप कर रहे हो वो चीजें तो। बिल्कुल, ये हमारे फार्म का सबसे अगर बोले तो बेचारा डॉग है, इसको हम जब लेके आए थे इसको ट्यूमर हो गया यहाँ पे, ना तो हम कुछ करवा सकते। अब दवाई हर रोज इसकी सफाई हो जाती है, खाना हो जाता है, बस ये भगवान भरोसे। पर इतना भी मेरे को लग रहा है जितना जीवन जी रहा है अच्छा तो जी रहा है, बिकॉज हमने देखा है डॉग्स को सफर करते हुए। हाँ, कट्स लग जाते हैं। हाँ, मक्खियां बैठ जाती हैं, मैगेट्स आते हैं, पता ही नहीं चलता, और बहुत गंदी तरह से जाते हैं। बिल्कुल, एटलीस्ट केयर तो मिल रही है ना यहाँ पे। ये दिलेर है, इसके ना पाँव पे किसी ने तेजाब डाल दिया, तो दिलेर अब ठीक है पहले से बहुत ज्यादा, और 15-20 दिन तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पाँव नीचे रखने लग जाएगा। ये पहली कॉल शगुन की आई थी कि एक डॉग लेके जाओ, तो डॉग के साथ साथ हम शगुन को भी ले। ओके, और शगुन एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, इसने जॉब छोड़ के अभी यहीं रहती है। ओके, ये काम ना एक पेट लवर ही कर सकते हैं, जो लेमैन है वो नहीं कर सकते। तो दिस इज द सेटअप जो अरमान मलिक जी अपने फार्म पे करते हैं। ये आईवी फ्लूइड्स हैं और ये इनकी मेडिसिंस हैं, जनरल ट्रीटमेंट, और साथ में एक ब्रश आपको दिख रहा है। पता नहीं था, दो दिन बाद हमें पता चला पार्वो, और रॉटवाइलर्स में कहते हैं कि पार्वो तो बचना नामुमकिन, पर जितनी हमारी हैसियत थी 50-60 हज़ार रुपये हमारे लगे उस टाइम। और अरमान जी, मेरे दो बच्चे छोटे, आपके घर में पता है कितने खर्चे हैं आजकल, तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हमें लगा नहीं बचाना है, तो आज वो देखो हमारे साथ यहाँ पे। देखो, आप सोच लो अच्छा करो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। अपने आप आतेगा सर, अपने हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए, और ऊपर से ना इक्वी डिस्टेंट है, अपने अपना स्पेस पूरा मिला हुआ है, और सब खुले में, कोई यू नो जबरदस्ती केजिंग नहीं है। गाइस, अरमान जी ने ना फार्म सिर्फ रेस्क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया, एक अलग दुनिया बनाई हुई है, बिल्कुल एक इकोसिस्टम आप कह लो, एक मिनी जू कह लो बेसिकली शहर के अंदर, और यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ है ये, बट उसके अंदर हमारे रैबिट है। दीज आर द न्यू मेंबर्स। सारे चिट्टे, क्या बोलते, चीने चिट्टे ओए खाना खा रहे हैं। हाँ, पालो पत्ते। इनको बहुत अच्छे से रखा हुआ, नहीं तो रैबिट भाग जाते हैं। जो गाँव वाव होगी ना तो पीछे घुमा करेंगे पूरे, हम इसको पूरा कवर करवा रहे हैं, तो जैसे खुला छोड़ दिया।
डॉग्स को ठीक है तो यहाँ घूमे खुले में रहे, जैसे 5-10 गायें हैं तो आराम से धूप लेने के लिए हम लोग बिठा सकते बच्चे को, ये उनको नेचुरल हैबिटेट सा हो गया। जो लोग सोए हुए उनको जगाओ, मत करो ऐसे। अगर आप लाखों रुपए की पार्टीज करते हो, सब चीज़ करते हो, थोड़ी सी हेल्प इनके लिए भी करो। खुद आओ, खुद खाना दो, खिलाओ, पार्टी कर रहे हो उस दिन, जिस दिन करने लग जाओ उस दिन पता लग जाए। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ना, पर सर क्या कहते हो? आवाज़ जगाएं हम। मेरी नहीं थी हनुमान जी, मैं गली का कुत्ता देख के भी ना ऐसे, तो जैसे माँ बाप ने वही सिखाया शुरू से कि है ना। और ये जब 3 साल के थे तो इनके घर में पहला डॉग आ गया, तो गाइस यहाँ पे सारा खाना बनता है, अकोमोडेशन भी यही है कि आने जाने की, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, अपना काम भी करते रहो, जब टाइम मिला आराम भी करो। काम देखो ना, 10-15 डॉग है, उनका अपना खाना वाना 1 घंटे में हो जाता है, सफाई सफाई 1 घंटे में हो जाता है, फिर तो अपना क्लीनिंग व्लीनिंग छोटे मोटे काम इधर उधर, ज्यादा बाउंडेशन है। सबसे रिक्वेस्ट है जो बब्जी के फैन है, नमितोलॉजी को पसंद करते हैं, तुलसी फार्म के लिए आप यू नो थोड़ा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं धीरज जी से, अगर आप लोग कुछ सपोर्ट देना चाहते हैं या फिर यहाँ पे आके कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो धीरज जी आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे। कोई काम करना चाहता है यहाँ पे, आई थिंक कुछ ओपनिंग्स भी निकली हुई है ना, तो काफ़ी ओपनिंग्स भी निकली हुई हैं, तो आप एक बार धीरज जी से चेक कर सकते हैं। एंड तुलसी फार्म की सारी वीडियोज़ देखिए, बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, और हमें बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे क्यूट कौन सा डॉग लगा। भैया देखो, दिल्ली से आए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चीज़ों को, अगर कोई गलती इनसे लगती है तो वो चीज़ें बताओ आप कमेंट में कि इनको आप ठीक करो, इनको आप सही करो, तो आप ही हो सब कुछ, बड़े छोटे आप ही हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नमस्ते, ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।